एक मिनट, इसे संभाल के अपने पास रखना, मैं समझूंगा मेरा प्यार सलामत है। प्यारे दोस्तों, अभी आपने जो छोटी सी झलक देखी उन अभिनेता को भी आप लगभग पहचान तो गए ही होंगे। दोस्तों सन 1973 में एकदम नए नवेले थे। तो दोस्तों आइए सुनाते हैं कि जब इनकी फिल्म रिलीज हुई तो किनको किनको टक्कर दी और कौन कौन सी फिल्मों को टक्कर दिया और आगे निकल गए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मी गढ़ पर, जहाँ पर फिल्म और मनोरंजन जगत की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए आइए सुनाते हैं वो कहानी जब इन्होंने बड़े बड़े अभिनेताओं को टक्कर दी। दोस्तों ऋषि कपूर का नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार था। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। आज हम आपको ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 1973 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे ऋषि कपूर। आपको बता दें कि साल 1973 में आई फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा था और ऋषि कपूर की फिल्म ये फिल्म डेब्यू फिल्म थी। बॉबी रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। कमाई के मामले में ऋषि कपूर की इस फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर किसी को आगे नहीं आने दिया था। अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और राजेश खन्ना तक इस मामले में ऋषि कपूर से पिछड़ गए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऋषि की इस फिल्म के आगे कौन कौन सी फिल्में आगे नहीं निकल पाई। दोस्तों बॉबी इसी फिल्म के जरिए एक लीड एक्टर के रूप में ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा था और विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार उनकी यह फिल्म साल 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया था और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। दोस्तों एक फिल्म थी जुगनू उसी समय, जो कि धर्मेंद्र की फिल्म 1973 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह एक एक्शन फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशन प्रमोद चक्रवर्ती ने किया था। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी, ललिता पवार, महमूद प्रेम चोपड़ा, नजीर हुसैन, अजीत प्राण भी अहम भूमिकाओं में थे। तो ये जुगनू से भी आगे निकल गई थी बॉबी। और फिल्म आई थी डार्क अ पोएम ऑफ लव 1973 की, जो कि राजेश खन्ना की फिल्म थी। 1973 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था और निर्माता के रूप में अपनी पहली फिल्म भी यश चोपड़ा की थी, जिसने एसराज फिल्म की नींव रखी थी। फिल्म में मदन पुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, ए के हंगल के साथ राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी मुख्य भूमिकाओं में थे। तो दोस्तों डार्क फिल्म से भी बॉबी आगे निकल गई थी। दोस्तों एक फिल्म आई थी जंजीर, जो कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म मानी जाती है, पहली हिट फिल्म मानी जाती है 1973 की, लेकिन ये भी बॉबी के आगे फेल थी और ये चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी, जबकि बॉबी पहले स्थान पर थी। यह एक एक्शन क्राइम फिल्म थी जो सलीम जावेद द्वारा लिखित और प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित थी। मेहरा ही इसके निर्माता भी थे। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन, प्राण, अजीत खान, बिंदु भी मुख्य भूमिकाओं में थे। दोस्तों एक फिल्म आई थी यादों की बारात, यादों की बारात में भी धर्मेंद्र थे और धर्मेंद्र की यह फिल्म 1973 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद, जो कि सलीम खान और जावेद अख्तर द्वारा लिखित, इसमें धर्मेंद्र के साथ विजय अरोड़ा, तारिक, जीनत अमान, नीतू सिंह, अजीत, कैप्टन राजू जैसे कलाकारों की टोली शामिल थी। तो दोस्तों इन सारी मूवियों को उस समय जो बॉबी फिल्म आई थी ऋषि कपूर की, इन सारी फिल्मों को पछाड़ दिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि 1973 में नए नवेले एक्टर ने बड़े से बड़े एक्टरों को धूल चटा दिया था। तो दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की कहानी के साथ हाजिर होते रहे। बस आप सुझाव चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो फॉलो करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।